हमारा प्यारा सा राजू है, ये प्यारा सा राजू है, इसको दो तीन बार धो दिया था टाइगर ने, लेकिन फिर भी प्यारा सा राजू है। मैंने बस खोल दिया इसको, एक ही दिन हुआ इसको, कल पकड़ा है और आज हम लोगों ने इसको आजादी दे दी। टंकी पे आ गया एक दिन के अंदर, उसने हिला लिया कबूतर माशाल्लाह से। भाई यार बोली क्या किया यार तुमने, क्या कर रही हो यार, मेरी कबूतरी हो तुम। चील आएगी हमला करने के लिए और सारे कांटों में ही अटक जाएगी और ऊपर से मुर्गी उनको उठाने में नहीं देगी चीलों को। लेकिन चेक करें इस साइड से आएगा, इस साइड से भी जा रहा है वैसा। ओए इतना स्पीड में अभी तुम्हारे को मुंह पे ही लग जाता। वैसा रस्ता डंडा उठा रहे थे और ये जो ना वापसी से उड़ गया था, पता नहीं फिर ना हम लोगों ने रात तक इसे इंतजार किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल ना हम लोगों ने दो कबूतर पकड़े थे और उन दो कबूतरों को पकड़ने से पहले ना हमारा एक कबूतर उड़ गया था, तो वो जो ना आपने कल की वीडियो में देखा होगा वापसी भी आ गया था, तो जो है ना उस कबूतर को भी अभी हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। कल ना वो दोबारा से उड़ गया था और जो है ना आज सुबह में वो दोबारा से वापसी आ गया था। हम लोग रात में इतना इंतजार किया वो आया नहीं, तो आज सुबह में जब आए ना हम लोग तो वो बैठा हुआ था छत पे, तो उसको भी ना अभी तक हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है ताकि वो दोबारा न उड़ जाए। तो जो है ना कल हम लोगों ने जो दो कबूतर पकड़े थे उनमें से एक के तो हम लोगों ने वीडियो में भी पर बांध देते और एक के नहीं बांधे थे, तो जो है ना अभी उनको पकड़े हुए एक ही दिन हुआ है। मैं सोच रहा हूँ बेबी विजन को भी बाहर निकालते हैं और जिस कबूतर के पर बांधे हुए थे ना उनको भी बाहर निकालते हैं। अभी सिर्फ गोले कबूतर खोले हुए थे हम लोगों ने, तो थोड़े बहुत गोले ही खोले थे, एक कबूतर आके बैठ गया सामने दोबारा से आज ना, तो देखेंगे उसको तारने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार ना अपने गोले भी उड़ा के दिखाते हैं आपको, फिर बाकी के जो कबूतर है ना वो भी बाहर निकालेंगे, और जो है ना अभी तक भोलू और गोलू को भी फीडिंग नहीं कराई तो उनको भी बाहर निकालेंगे, उनको भी फीडिंग वीडिंग कराएंगे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दिखाएंगे आपको उनकी। बड़ा टाइम हो गया भोलू और गोलू को वीडियो में नहीं दिखाया, सारे कबूतर मुर्गियाँ ही चल रही हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से ना अपने गोले उड़ाते हैं, पहले वो दिखाते हैं और फिर बाकी वाले कबूतर भी खोलेंगे नए वाले। एक ही दिन हुआ है बेबी विजन को, तो आज उसको खोलने लगे आज़ाद करने लगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा। कल तीन बार हमारी छत पर आया था, तीन बार हमसे उड़ गया था, तीनों बार वापसी आ गया, तो मैंने सोचा कि उसको खोल देते हैं आज़ाद कर देते। बाकी दूसरा वाला पता नहीं कहाँ से आया था तो उसको नहीं आज़ाद करे, उसके हम लोगों ने वैसे भी पर बांधे हुए, तो दुबास को भी बाहर निकालेंगे और बेबी विजन को भी बाहर निकालेंगे। मौला बख्श फैसल उस्ताद ने तैयार कर लिया कपड़ा, इससे निकाल दिया था क्योंकि ना इस कपड़े की वजह से ना कल शाम में दुबास कबूतर जो है ना दोबारा से उड़ गया था, और जो है ना हमने रात तक इसका इतना इंतजार किया आया नहीं था, लेकिन आज सुबह में खुद ही आ गया था। तो अभी इसको भी बाहर निकालेंगे, ये वाला जो बेबी विजन है इसको भी बाहर निकालेंगे और बाकी वाले सारे कबूतर बाहर निकालेंगे। तो जो कबूतर आया हुआ ना वो चेक करें, वो बैठा हुआ है सामने शेड में, तो पता नहीं किसका कबूतर है। और हमने अपने गोले खोले हुए थे सुबह से ना, खाली गोले खोले हुए, एक दो तीन चार पाँच छः और एक पता नहीं किधर, सात गोले खोले हुए, जिनमें से ना एक पट्टी वाला ये हरा कबूतर घूम रहा है और एक वो पीछे लाल पट्टी वाला घूम रहा है, तो ये भी गोलों में उड़ाएंगे। ये हरा भी जो है ना पर गोलों में उड़ना शुरू हो गया, तो इसको भी गोलों में उड़ाएंगे। फैसल उस्ताद उड़ाओ, चलो इसको उड़ाओ, इनको उड़ाओ, फिर उसके बाद ना अपने कबूतर खोलेंगे, इस कबूतर को भी उतारने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उतरता है नहीं उतरता। तो पहले सारों को ऊपर भेज दिया, एक कम लग रहा है मुझे या पूरे, ये चले गए टंकी पे बैठेंगे, देखना नहीं बैठने देना टंकी पे, बैठ गए वो, फिर भी बैठ गया एक शायद, उसको भी उड़ा दो, बाकी के कहाँ चले गए सारे, ये आ रहे देखे, वो उड़ गया, हाँ उड़ गया, वो भी उड़ गया, वो भी चला गया, ये चले गए, वो चेक करें चले गए। मौसम चेक करें आप लोग कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं आज, मौसम बड़ा मजेदार है, रोशनी वोशनी बिल्कुल सही, लाइटिंग वाइटिंग सब प्यारी हो रही है। और ये चेक करें कबूतर हमारे माशाल्लाह, इस मौसम में कबूतर उड़ाने का ना मजा ही आ जाता है। चेक करें पीछे बैकग्राउंड में कितने प्यारे प्यारे बादल आ रहे हैं, पूरे बादलों से भरा हुआ, और कबूतर चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं आसमान पे, वो चेक करें, सारे सात कबूतर उड़े ना, एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो खाली छः है मेरे ख्याल में, एक पता है कहाँ छुपा होगा, मैं बताऊँ कहाँ छुपा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ छुपा हुआ होगा, वो ये छुपा हुआ है नहीं छुपा हुआ, नहीं छुपा हुआ यहाँ पे तो गायब है, यहाँ भी नहीं है, उड़ रहा है मुझे नहीं यार, वहाँ पे छुपा हुआ था, छः दिख रहे खाली, हाँ उड़ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ सात पूरे उड़ रहे ना, सात पूरे उड़ रहे, सही है, मुझे लगा शायद छः उड़े, हाँ सही है, सात पूरे हैं, देखो ये उड़ रहे, इससे प्यारे लग रहे हैं यार, अभी ये सातों जुड़ जाएंगे, अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करीब हो रहे हैं, और तीन अलग हो गए, चार ये आ रहे और तीन अलग अलग हो गए, बिल्कुल ये आ गए, अभी इनको नीचे उतारेंगे फिर आपको दिखाऊंगा, सात गोले हो गए समझ लें, ये देखें अभी ऊपर जाके उड़ने लग गया, पता नहीं क्यों, अभी थोड़ी देर में ना नीचे आ जाएगा बस, बिल्कुल उतारने के टाइम में ना ये भी नीचे आ जाएगा गोलों के पास, सारे एक साथ हो जाएंगे ना फिर उतारेंगे इनको, तो ये चेक करें ये आ रहे हैं यहाँ से, अभी इनको उतारेंगे, एक कबूतर सिर्फ अलग अलग उड़ रहा है, बाकी के छह चेक करें कैसे उड़ रहे हैं माशाल्लाह, जंगली वाला गोला हमारा मर गया था लेकिन दूसरे जंगली ने हमारे इसकी जगह ले ली, तो वो सही उड़ रहा है हमारा अपना वाला जंगली, वो जो जंगली गोला था वो तो मर गया था, अभी इनको उतारो सही है उतरेंगे सारे एक साथ, वो सातवां भी साथ हो गया, सारे साथ हो गए उतरने चाहिए सही है एक साथ, ये गोल चक्कर लगा है बिल्कुल सही है जा रहे, ये आ गए ये सारे टेढ़ा मेढ़ा हो गए, सारे सारे टंकी पे चले गए, चेक करें सारे टंकी पे उतर जाते,
सारे हाँ मर के आ गए थे ना नीचे दाना खाने, राजू रानी आज सुबह से खुले में, आज न्यूज तो बताई नहीं, गुड न्यूज तो बताई नहीं। आज रानी ने हमारी अंडा दे दिया, बड़े टाइम से अंडा नहीं दे रही थी, तो मैं आज इनको दाना डालने खोलने गया था मैं इनको, मैंने देखा अंदर अंडा पड़ा हुआ है, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को, इन्होंने अंडा दिया है, काफी टाइम हो गया अंडा ही नहीं दे रहे थे, तो जो है ना दो तीन अंडे देते हैं फिर रोक जाते हैं, तीन चार अंडे देते हैं फिर वापसी बंद कर देते हैं 10 दिन के लिए छुट्टी, फिर तीन चार अंडे देते हैं फिर 10 दिन के लिए छुट्टी, गायब हो जाते हैं, बहुत छुट्टियां कर रही है ये लोग हैं, ऐसा इनका नहीं है। हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन देना चाहिए, लेकिन ये देते नहीं आज, इसीलिए सुबह से इनको खोला हुआ, इन्होंने अंडा दिया इसी खुशी में, आज सुबह से याद आ दें, और बेचारा हमारा टाइगर सुबह से बंद है, तो अब इसको बाहर निकालेंगे। और अपनी मुर्गी और चिक्स की मैं आपको अपडेट देता हूँ, ये भी आपको काफी दिन से दिखाया नहीं है, तो माशाल्लाह से काफी एक्टिव और काफी बड़े हो गए, और देखें मुर्गी जो है ना अभी मिट्टू के पास पता नहीं क्या कर रही है, वो रोटी गिरा रहा होगा तो वो खा रही होगी, और चिक्स को भी अपने खिला रही होगी, तो अभी बाहर ही नहीं आ रही, देखें बाहर नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, वैसे गेट खोलो और ऐसे भाग के बाहर आने लग जाती है, तो अभी पता नहीं क्यों नहीं बाहर आ रही, गेट खोल दिया मैंने फिर भी, तो भोलू देखें अंदर छलांगे मार रही है, गोलू भी छला, ओए किधर तुमने उसको जाने दे दिया, उसको हटाओ मुर्गे को वहां से वरना लड़ाई हो जाएगी अभी, तो पैसा सारे निकाल लिया, भागता भागता है, कोई नहीं उसका मुर्गा, देखो परी का मुर्गा एकदम शोर मचाने लग जाता अभी, हमारा प्यारा सा राजू है ये, प्यारा सा राजू है, इसको दो तीन बार धो दिया था टाइगर ने, लेकिन फिर भी प्यारा सा राजू है, वो जो कबूतर बैठा हुआ था ना सामने उसको उतारना था और वो वहां से गायब ही हो गया, हमने गोले उड़ाए तो उसको छोड़े, अपने वाले कबूतर खोलते हैं, दोबाज को खोलते हैं, बोरी हटा दो वरना वापसी उड़ जाएगा, दोबाज दो बोरी हटा दो उसमें से, और बेबी विजन को भी छेड़ना ही नहीं अभी बिल्कुल भी, ओ अपना जंगली आया उस्ताद, ये चेक करो ये बेवफा कबूतर हो गया हमारा, बेवफा कबूतर हो गया ना, बंद ही नहीं होता, देखें अभी आया है खाली शक्ल दिखाने आया है, अटेंडेंस लगवा दी अपनी, अभी फिर टुल्ला मार के चला जाएगा, नहीं आता ही नहीं अब हमारी छत पे, मुझे लग रहा है ब्रीडिंग की हुई है इसने बाहर, रिंग देखे इसको डली हुई है हमारी, ये चेक करें, दिखाओ भाई रिंग दिखाओ, वो चेक करें डली हुई रिंग, इन कबूतरों को खोल लेते हैं जल्दी से, देखते हैं बेबी विजन का क्या बनता है, मौसम तो बड़ा प्यारा हो गया और ज्यादा प्यारा हो गया, आया वो दुबास निकल गया डायरेक्ट, अभी भी देखो डायरेक्ट जमीन में टांगे नहीं लगाई इसने, हवा में ही था ये, शुक्र है उड़ा नहीं अभी, क्योंकि हमारा पक्का हो गया शायद मेरे ख्याल में, तो बेबी पिजन तो आया नहीं, गेट खोल दूं छोड़ दे दूं गेट, भोलू और गोलू को निकालते हैं, क्या बोलते हो बेबी पिजन को, या निकालोगे दाना मार के, निकाल लो मौसम तो है ना थोड़ा थोड़ा मजेदार हुआ और ज्यादा मजेदार हो गया, देखें बिल्कुल ही काले बादल हो गए, लग रहा है आज तो बारिश हो जाएगी, कुछ पता नहीं है बारिश का, जल्दी जल्दी से ना अपने कबूतरों को बाहर निकालते दाना खिलाते हैं, अंदर वालों को भी दाना डाल लें, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ गया वो दूसरा वाला, देखो कैसे सुस्त होके बैठ रहे, ओ आ गया बेबी विजन, अबे मुर्गियां बंद करनी थी ना, मुर्गी बंद कर दो ये मारेगी वरना, वो डर रहा है देखो, अभी उड़ना नहीं चाहिए बस, ये मैंने बस खोल दिया इसको, एक ही दिन हुआ इसको, कल पकड़ा है और आज हम लोगों ने इसको आजादी दे दी बिल्कुल, और वो भी बाहर आ गए, सारे बाहर आ गए, नया वाला भी बाहर आ गए, दोनों ये दोनों बाहर आ गए, नए वाले और अपना वाला भी बाहर आ गया, तो चेक करें अभी दाना वाना खा रहे हैं, राजू रानी भी इनके साथ ही दाना खा रहे हैं आज, मार नहीं रहे कबूतरों को, बड़ी बात है वरना तो ये जुल्म करते हैं हमारे कबूतरों पे, तो अभी नहीं कर रहे, और दाना डाल दिया फैसल उस्ताद ने सही दादा करके, तो दाना पानी भी डालने इनको, पानी भी डाल दो इनको, तो सही है दाना पानी इनको फुल करा दो, ताकि हमको तंग नहीं करे भोलू गोलू के फीड कराते टाइम पे, तो मैं जाता हूँ भोलू को निकालता हूँ, तुम इनको दाना डालो और बस ध्यान रखना कि इसको हल्की सी फड़क नहीं लग जाए वरना ये उड़ जाएगा और बहुत तंग करेगा, अगर ये उड़ गया अभी तंग करेगा बहुत, हमें इधर उधर बैठेगा बिल्कुल, रात भी होने वाली है देखो कितना अंधेरा हो गया दोस्तों, अभी जो है ना मैं भोलू को निकाल के लाया हूँ और एकदम से जो है ना बेबी विजन जो है ना उड़ गया, ये चेक करें ये उड़ गया, अभी इसको दोबारा से उतार लेंगे, अभी दो चक्कर ये लगा चुका है, तो मैंने अभी भोलू को निकाले और जो है ना बेबी विजन उड़ गया, फैसल उस्ताद ने अभी तक गोलू को निकाला भी नहीं और हवा चलने लग गई है, चेक करें कैसे उड़ रहा है सामान सारा, वो चेक करें ये उड़ रहा, मौसम चेक करें बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है और खुद ही उड़ गया ये, हम लोगों ने उड़ाया भी नहीं ना, मस्ती की हम लोगों ने, तो चेक करो टापियों मार रहे छत पे बिल्कुल आगे, एक ही दिन में हिल गया हाँ ये अपना, मुझे लग रहा अगर ये उतर जाए ना, दाना मारो उतर जाएगा, वैसे हम लोगों ने इसको दाना तो खिलाया हुआ, किसी और के पास तो नहीं उतरेगा, ये दाना मारो उतर जाएगा फिर भी ये सारे का, वो इतना नीचे से गया, आ रहे उतरने की कोशिश करे, लेकिन अभी हवा तेज चल गई है एकदम से, तो बोलो कि मैं आपको ट्रेनिंग दिखाता हूँ, वो आ गया, वो देखो वो आ गया पीछे से, तो इसको भी अभी उतारते हैं, और बोलो जाओ जाओ बोलू जा ही नहीं रही, देखें ये आ रहा है नीचे, वो तो नीचे आ रहा है, वो घूमेगा एक दो चक्कर लगाएगा आ जाएगा, ज्यादा नहीं उड़ाना है इसको आज, पहला दिन है आज इसका, वो पीछे से ही आ गया, देखते हैं उतरता है नहीं उतरता क्या करता है, इधर उधर बैठता है या सीधा छत पे उतरता है, ये आया बंद होता हुआ ये कैसा उतर है आज, तो डायरेक्ट उतरेगा मुझे लग रहा है,
ओए बैठना नहीं चाहिए यार, इधर उधर बैठे का आदत खराब हो जाएगी इसकी। पहले एक दिन हुए पकड़े और अपनी छत पे आ रहे यार, बड़ी बात है। बोली तुम जाओ, चलो बोली जाओ जाओ। बोली के देखें जाने का दिल ही नहीं हो रहा, चलो जाओ। वो देखें मेरे पास से जा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, इतने दिनों का इसको ट्रेनिंग नहीं कराई। और गुलाटी मार दी इतने यार, ये वैसा वैसा यार, ये बड़ा प्यारा कबूतर है यार, गुलाटी मार रहे। ये आ गया नीचे, आ गया नीचे, आ गया। जीरो गली का बेबी भी जाने उड़ भी रहे और गुलाटियां भी मार रहे यार, क्या कबूतर है यार, मजेदार है यार। सामने वाली दीवार पे जाके बैठो, चलो जाओ। ये आप फेंका है ना तो जाके बैठिए सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भोलू की फटिक भी लग गई, वो भी नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये गई भोलू फटिक पे, नहीं उतर रहा यार वो तो। उड़ने तो इसको, थोड़ा सा उड़े फिर इसको उतार लो। आ रहा ये, आ रहा ये, आ रहा। ओए बैठ गया सामने, नहीं बैठना नहीं बैठना, बैठ गया बैठ गया। फर्स्ट फ्लाइट थी एक दिन के अंदर अंदर, बड़ी बात है। ये इलाके में ही बैठा, इधर उधर नहीं निकला, इधर उधर निकल गया था, पीछे गायब हो गया था। लेकिन अभी वापसी आया था, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी दोबारा से। टंकी में दाना मारता थोड़ा बहुत, आगे टंकी भी आके उतर जाए। टंकी उतरने की कोशिश करता लेकिन टंकी उतर नहीं पाता, वहां सामने चला गया। और बोली ना भी मेरे कंधे पर बैठी है, बार बार ना तंग कर रही है मुझे, बार बार ना आँख के पास चोच मार रही है, तो है ना आँख में मारने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये। बार बार ना आँख के पास मेरी चोचे मार रही है, क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो आँख के पास है, क्या चाहिए तुम्हें? दाना तो मैंने तुम्हें खिला दिया, फिर क्यों तंग कर रही हो मुझे है? देखिए कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह से, इतने दिन से आपको दिखाई नहीं है ना बोली, तो आज आपको बोली दिखाता हूँ। बोली इधर ही रहो, इतना प्यारा एंगल आ रहा है देखो पीछे। ओ भाग गई, फिर उड़ गया वो, फिर उड़ गया बेबी विजन। ओए बोली ने तुम्हारे पास हमला कर दिया दाने पे, कैसी बोली हो यार तुम, इधर आओ, मैंने तुम्हें दाना खिला दिया, वो चेक करें। फैसल उस्ताद के पास जा रही है यार, बोली तुम ना बेवफा हो रही हो, बेवफा हो रही हो बोली तुम, ऐसे नहीं करा करो मेरे साथ। उतर गया, ये आ गया बेबी विजन, और सामने बैठ रहा है। ओए उतर गया, बल्ले 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 बल्ले, उतर गया टंकी पे, आ गया एक दिन के अंदर उस्ताद, हिला लिया कबूतर माशाल्लाह से। ओए यार बोली क्या किया यार तुमने, क्या कर रही हो यार, मेरी मेरी कबूतरी हो तुम। वो देखो फैसल उस्ताद के पास ही जा रही है, यार ऐसे नहीं करो यार बोली तुम, भाग जाओ यहाँ से। चलो मैं तुम्हें चने खिलाता हूँ, बाजरे से भी अच्छी चीज खिलाता हूँ, इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। ये खा गई चने, अभी मैंने उसको इतने सारे खिला दिए लेकिन ये फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है, दाना देख के फैसल उस्ताद के पास भाग रही है। जाओ गंदी बोली, गंदी बोली, एक तो तुम्हें भोलू समझ के उठाया था, तुम भोली निकल आई, फिर ऊपर से ऐसी हरकतें कर रही हो, आ जाओ मेरे पास। ये आ गई माशाल्लाह, ओ पीछे एंगल चेक करें कितना प्यारा आ रहा था, लेकिन भोली ने ना उस टाइम पे वीडियो नहीं बनवाई, अब चेक करें। चली गई, किधर जा रही हो, इधर आ जाओ। तो देखें मुर्गी जो है ना अभी बाहर आ गई है, तो चिक्स को भी साथ लेके आई है अपने, और देखें गमलों में घूम रहे हैं, गमलों में बहुत ज्यादा खुश खुश रहते हैं, पता नहीं मट्टी वगैरह खाते हैं, कीड़े वीड़े खाते हैं यहाँ पे, इनके लिए जो है ना कीड़े पैदा करेंगे ताकि ना हमारे चिक्स ना जल्दी ग्रोथ करें। तो जो है ना पता नहीं कीड़े पैदा करने का जो तरीका होता है ना, उस तरीके से ना कीड़े पैदा करेंगे और फिर अपने चिक्स को डालेंगे, बहुत शौक से खाएंगे। तो फैसल उस्ताद ने अभी गोलू को निकाला था, तो जो है ना मुर्गी भी बाहर आ गई थी, तो अभी मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया, बन नहीं किया क्योंकि पौधों में जाके बैठे हुए चीर का जो है ना इतना खतरा नहीं है। देखें और ये चेक करें, फैसल उस्ताद गोलू की ट्रेनिंग करा रहे हैं और ये मेरे पास आ गया, मैं करीब खड़ा होता हूँ देखो हमेशा मेरे पास आ जाता है, गली में भी इसको ट्रेनिंग कराते मेरे पास आ जाता है, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ इसको। देखो तुम्हारे से हवा नहीं थी, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं उसको ज्यादा पसंद हूँ, वो तुम्हारे पास आना उसको मजा नहीं आता तुम्हारे पास आने में, पता नहीं क्यों, जब भी तुम उसको ट्रेनिंग करा रहे होते हो मेरे पास आ जाता है। अभी अच्छा वैसे उल्टा सीन हो रहा है, भोली तुम्हारे पास आ रही है और गोलू मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, फिक्र नहीं करो, मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, तुम्हारा गोलू तुम खुद ट्रेन करो। ये चेक करें गोलू की ट्रेनिंग, सर पे क्यों बिठा रहे हो, हाथ पे बिठाओ, हालत खराब हो जाएगी उसकी, भोली भी ऐसी करती है, सर पे आके बैठ जाती है, लाल तार है ना असल में तार। सही सही, बाहर कब ट्रेनिंग पे लेके जाओगे इसको? ये चेक करें फैसल उस्ताद का गोलू, अब जो है ना इसने पल्ला खोल लिया वैसे माशाल्लाह से यार, अच्छा तरीके से उड़ रहा है, अभी हवा भी है ना थोड़ा रुक भी रहा है, सही है, इसकी बाइक वाली ट्रेनिंग इसी तरह लगेगी। फैसल उस्ताद तो इसको बाइक भी उड़ाएंगे क्योंकि नदी पे तो जो है ना ये मट्टियां ही खा रहा, उड़ नहीं रहता। ये गया अब सही लंबा गया है, छत थोड़ी सी छोटी सी है, मेरे पास आ जाएगा, नीचे गिर गया हवा से नीचे गिर गया बेचारा। और मुर्गी ने देखे चिक्स को ना छुपाने की कोशिश कर रही है नीचे, लेकिन कोई भी छुपरा नहीं है, देखें कितना सेफ है, चील हमला ही नहीं कर सकती इनको पौधों के अंदर, चील आएगी हमला करने के लिए और सारे कांटों में ही अटक जाएगी और ऊपर से मुर्गी उनको उठाने भी नहीं देगी चीलों को, लेकिन चीले भी बहुत तेज होती है, अगर ये एलोवेरा ना हो ना तो फिर चील उठा के भी ले जाएगी या कौवे उठा लेंगे। तो इनको छोड़ें, वैसा साथ की गोलियों की ट्रेनिंग दिखाता हूँ आपको। और बेबी विजन तो देखें जाल पे बैठा हुआ है, वो टंकी से ना जाल पे आ गया, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, एक दिन में छत पे वापसी आ गया, बस अब ये क्या
ये चेक करें, इस साइड से आएगा, इस साइड से भी जा रहा है वैसा। ओए इतना स्पीड में अभी तुम्हारे को मुंह पे ही लग जाता, मुंह पे पंजे रखता और ऐसे ही पूरे निशान आ जाते, वैसे ही हाथों में बहुत निशान आ जाते हैं। देखो ये, देखो ये चेक करें निशान, ये अभी अभी नाखून लगे हैं इसके। ओ बेबी विजन का तो ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये वापसी आ गया हमारे पास, उड़ गया था बेचारा, हमने नहीं उड़ाया था, खुद ही उड़ गया था। और दुबास कबूतर भी मुझे बहुत ना मतलब खुशी हो रही है कि वापसी आ गया। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि ये वापसी आ गया था, उसके ना समझ लें आधे एक घंटे बाद ना फैसल उस्ताद डंडा उठा रहे थे और ये जो ना वापसी से उड़ गया था, पता नहीं फिर ना हम लोगों ने रात तक इसे इंतजार किया, वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा आपको नहीं बताता हूँ मैं, फिर जो है ना मैंने कहा बाद में बताएंगे आपको। लेकिन जो है ना मैं आज सुबह में आया ना, यहाँ दीवार पे बैठा हुआ था, कबूतर भी हमारे बंद थे, पता नहीं चार दिन में इसने हमारी छत कैसे पक्की कर ली इतनी कि ये वापसी आ गया रात बाहर रहने के बाद भी, और कबूतर भी हमारे बंद थे फिर भी मेरे को समझ भी नहीं आई, इतना अच्छा कबूतर है, पता नहीं लोगों के पास से कैसे भाग जाते हैं। देखे मस्तियां कर रहे हैं, दोनों मस्तियां कर रहे हैं, ये कल पकड़ा था और ये चार पांच दिन पहले जो पकड़ा था। अभी जो है ना इनको दाना नहीं डाले, इनको भी दाना डालते हैं। इस बार का जो दाना है ना बड़ा साफ दाना है, देखे चेक करें बिल्कुल साफ सुथरा, पिछली बार जो दाना आया था ना बड़ा मट्टी वाला आया था, तो अभी जो है ना इनको दाना डाल देते हैं सही से। इनको दाना डालना मैं भूल गया था और मुझे याद ही नहीं था कि हमने यहाँ भी गेट लगाया हुआ है, और मैं जो है ना इतना घूम फिर के यहाँ से आया हूँ तो मुझे याद ही नहीं है यहाँ पे भी गेट लगा दिया, तो ये गेट खोलता हूँ और अब चलते हैं बाहर। मुझे याद ही नहीं था फैसल उस्ताद मैं इतना लंबा चला गया गेट, वो दो दो गेट खोल के अंदर गया हूँ, इस वाले गेट के बारे में भूल ही गया कि यहाँ पे भी गेट लगाया हुआ है, पहले वो गेट खोला फिर अंदर गया हूँ, अब मुझे याद आया कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है। देखें इतनी आसानी हो गई ना अब यहाँ पे, लेकिन अब आदत नहीं हुई, इतनी जल्दी आदत लगेगी भी नहीं, तो ये सीधा सीधा यहीं से ही दाना डाल रहा था और मैं वहां से घूम घूम के चला गया था। तो दाना वाना इनको डाल दिया, अभी जो है ना थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, अपने सारे परिंदों को बंद कर देंगे, मुर्गी के और चूजों को भी बंद कर देंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेगी आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।